तो गाइस मैं अब आ चुका हूँ पुलिस स्टेशन में अंदर से। वैसे भी बाहर पार आ रहा था बर्तन धोने, तो मैंने बनाया यहाँ पर फाउंटेन। ये देखो मेरा बर्तन फाउंटेन। घर जब मैं पहुंचा मुझे डंडा हो गया। मैंने बोला सर अगर किसी को उठाना ही होता तो मेरे को स्कॉर्पियो और थार की जरूरत नहीं है, मैं पल्सर ही लेके और पट्टा लेके निकलूंगा, तो तीन बंदे बाइक पर चुपचाप बैठ जाएंगे। उसके बाद बाइक पे बहुत फेल रहा था, मैं अपनी इतनी बेइज्जती नहीं दिखा सकता हूँ, इस वजह से मैंने नहीं दिखाया। कुछ चुराता है, कोई कुछ चुराता है, कोई फ़ोन चुराता है, कोई गाड़ियाँ चुराता है, मैं भी एक तरह का चोर हूँ, मैं पब्लिक का दिल चुराता हूँ। ना मुझे फ़ोन नहीं मिल रहा है, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमोज ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और काफ़ी दिन हो गए मैंने अपने कोई भी ब्लॉग्स नहीं डाला, बिकॉज मेरे नाना जी की ना बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी बीच में, तो मेरे को बिहार जाना पड़ा। फिर मैं वहाँ से वापस भी आ गया था मम्मी को छोड़ के। अब यह कि नाना जी मेरे बेटर हैं, और दूसरा मेरे को जैसे ही आया मैं थोड़ा पढ़ाई में बिजी हो गया था, बिकॉज मेरा गवर्नमेंट का एग्ज़ाम था। तो अभी जस्ट 2 तारीख को मैं दे के आया हूँ उसको। तो अब मैं अपनी ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट करूँगा। अब क्या है कि कल रात में एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ हो गया मेरे घर में, क्योंकि अब मम्मी तो है नहीं, सिर्फ मैं, पापा और भाई हैं। तो कल रात में पापा का फ़ोन चोरी हो गया, और पापा का फ़ोन था 32,000 रुपीज़ का। और कल जो है पता नहीं कैसे है, तो वो मार्केट चले गए, मार्केट गए सब्जी ले रहे थे, किसी ने जेब में से निकाल लिया, और फिर मेरे को कॉल आया। फिर अब क्या है कि मैंने फिर ऑन द स्पॉट पहुंचा वहाँ पर मैंने फिर सारी चीज़ें ब्लॉक करा दी, जो भी बैंक से डिटेल्स और नंबर वगैरह था। उसके बाद मैंने अपने कज़न को फ़ोन किया, उसने थोड़ा पुलिस सपोर्ट दिलवाया। उसके अब जो है कि उसने बोला FIR करवाने को, तो मेरा कज़न ने अभी उसको कॉल करके पूछा, तो वो अभी बुला रहे थे। तो अब मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन FIR लेने, उसके बाद शाम को फ़ोन लेने जाना है। फिर से दोबारा से 12,000 का खर्चा होगा। पता नहीं क्या मिलता है चोरी करके, उनको ये समझ में नहीं आती कि आगे जो फ़ोन होता है साला उसमें इतनी सारी डिटेल्स होती है। कितना बिजनेस था पापा का मेरा, उसी में सारा कुछ, और वो चला जाता है तो कितना मतलब बुरा लगता है। फ़ोन की दिक्कत नहीं होती, उसके अंदर का डाटा का दिक्कत होता है। अब ये है कि उसको नीड होगी, ले गया ठीक है, बट इधर हमारा बहुत लॉस हो गया। खैर चलो गाइस अब मैं चलता हूँ पुलिस स्टेशन, वैसे भी घर में कोई है नहीं, ताला लगा के जाना पड़ेगा। और घर का भी कुछ कूड़ा कवाड़ा हो रखा है, सब ऐसे ही पड़ा है, मम्मी नहीं है तो ऐसे ही होता है घर में, रूम में। खैर मैं चलता हूँ, आगे दिखाता हूँ मैं आपको चीज़, तो बने रहना मेरे चैनल। मैं रेडी हो चुका हूँ, और ये मैंने हेलमेट और चाबी ले लिए दोनों, अब मैं निकल रहा हूँ। निकल चुका था घर का भी लेकिन दिखाया, क्योंकि वहाँ पे कुछ ज़्यादा कूड़ा कवाड़ा हो रखा था, क्योंकि मेरे को लग रहा था नहीं दिखाना चाहिए। सो इसलिए मैं गली से बाहर निकल के अब यहाँ पे जहाँ से अपनी वीडियो स्टार्ट कर रखा हूँ। और वैसे कुछ समझ तो आ नहीं रहा कि मैं बोलूँ क्या कैमरे में, बट ये है कि मोटर मतलब मींस राइडिंग पे ब्लॉगिंग करना बहुत हार्ड होता है, किसी ने सीखा है। खैर मैं कोशिश करूँगा, सीख रहा हूँ मैं अभी, और अपनी ब्लॉगिंग को सही करने के लिए। पावर वाला 102 रुपये का है, तो इतना पच्चीस आएंगे तो मैंने बाइक के मेरे को 9 वर्ष का मैं खुवाता था तो मैंने बाइक देखी 91 आ गया। आ जाओ बात ही कर ले पहले। तो गाइस अब हम पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं, और गाड़ी में अंदर रुकूंगा, मतलब बाहर रुकूंगा भाई पुलिस स्टेशन के सामने से ही चोरी हो गई तो। और यहाँ पे मैं रुक गया,
तो गाइस मैं आ गया हूँ, बाकी मैं अंदर जाके दिखाता हूँ। एफआईआर पर मैं आ चुका था, बट ये जो है ना पुलिस वाले को कभी कुछ हो ही नहीं सकता, तो एक काम सही से नहीं कर सकते। इन्होंने एफआईआर अभी रेडी नहीं किया, इनके एसएचओ साहब थे उनको दिखा रहे थे, एसएचओ साहब को कोई काम हो गया वो भाग गए, अब ही नहीं, अब बोल रहे एक घंटे बाद आओ। यार पब्लिक सर्वेंट का मतलब ये नहीं होता जो ये लोग करते हैं। खैर अब एक घंटे बाद आऊँगा मैं, बाकी जब तक एक चीज़ और दिखाऊँगा। इन्होंने गूजर लिखवा रखा है, पुलिस की बाइक है तो गूजर लिखवा रखा है और यहाँ पे नंबर लिख रखा है, मस्त चीज़ है। मैं भी पुलिस में जाने वाला हूँ, यहाँ पे चौहान लिखवाऊँगा तो फिर चौड़े में घूमूंगा। बाकी ये पुलिस कोटा, अब कुछ होना तो है नहीं यहाँ पर, सो अच्छा घर ही चल लो। अब पहन तो कुछ हुआ तो है नहीं, बिना उसके जाना पड़ेगा, भाई को कॉल किया तो उठा नहीं रहे, ऐसे वो भी बिजी होगा, मैं तो इनके ऊपर फटवा देता पहन तो, इनका ऐसा चू ही नहीं है, ये रह गया बस के चक्करों में। और तो पुलिस वाले होने का ना ही हो, एरोप्लेन बना ले बहन से, गाइस कल रात की बात बताता हूँ। कल क्या हुआ कि जैसे ही फ़ोन चोरी हुआ तो मैंने अपने भाई को बोला ऐसा ऐसा है, तो उसने एक सपोर्टेटिव वहाँ पे पुलिस जो थे उनसे मेरी बात करा दी थी, तो वो पुलिस वाला मेरे को ये कमेंट करता है कि कैसी दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रखी है तुमको, तो ऐसा देख के लगता है जैसे तुम गैंगस्टर से हो, कि तुमको स्कॉर्पियो और थार में ही चलने वाले हो। मैंने बोला सर अगर किसी को उठाना ही होता तो मेरे को स्कॉर्पियो और थार की ज़रूरत नहीं है, मैं पल्सर ही लेके और कट्टा लेके निकल लूँगा तो तीन बंदे बाइक पर चुपचाप बैठ जाएंगे। तो इस शहर को सुन के बोला कि सही जा रहे बेटा, तुम देख रहे हो इसी हिसाब से हो तुम। तो मैंने बोला यार अभी जाओ पुलिस वाला बनने दो फिर देखना, तो फिर डिस्कशन करने लगे हम अति फालतू की चीज़ें अपनी। के टाइम वेस्ट कराया मेरा, इतने में कुछ कर लेता। खैर क्या बोलूँ मैं, झाड़ू पोछा करके पूजा वूजा कर लेता हूँ, फिर पापा भी आ ही जाएंगे अभी 10-15 मिनट में, फिर फ़ोन लेने जाना है तो मैं वहाँ की चीज़ें दिखाऊँगा फिर आपको। गाइस मैंने अभी जगह दिखा लिया है और अब मैं जा रहा था बर्तन धोने, तो मैंने बनाया है यहाँ पर फाउंटेन, ये देखो मेरा बर्तन फाउंटेन। अच्छा है ना, मैं आगे से टाइम बनाना चाहता हूँ, अभी बाकी में भी खाना बनाना है, काफ़ी काम है, कितना कुछ करवाते हैं ये छोटे से बच्चे से। यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, मेरा फोन, मेरी बाइक खड़ी है वहाँ पर, और हम फोन लेने आए हुए, पापा हैं अंदर बात कर रहे हैं फोन के लिए, आगे देखो जो अच्छा लगता है अच्छा। और गाइस मैं आया हूँ यहाँ पर अब अपना काटने के लिए, पैसे लेके निकलिए, और यहाँ पर मेरे को कुछ अच्छा सीन मिल गया, मैं वो दिखाता हूँ। घर जब पहुँचा मुझे डंडा हो गया, काफी अच्छा था, बाकी आगे दिखाता हूँ। ये एडी का सबसे पूरी मार्केट, हम घर आ चुके हैं और मैंने बोला ही था जैसे कि 13-14 हज़ार का चपट लग गया, और पापा का भी दिमाग ख़राब है, मैंने एक्चुअली आने जाने की वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि पापा पीछे बैठे हुए थे, वो गुस्से में तो पेल रहे थे, मैंने चल छोड़ देता हूँ, बाप का खौफ। उसके बाद बाइक पे ही बहुत पेल रहे थे, मैं अपनी इतनी बेइज्जती नहीं दिखा सकता हूँ, इस वजह से मैंने नहीं दिखाया। अच्छा हमको सिखा दिया है। और अब आए घर 9:30 बजे, फोन लेके अब खाना बनाना, कि अब खाना क्या बनाऊंगा वो देख रहा हूँ। निश्चय होते हुए कि इतना बढ़िया फोन था, अब तो पबजी चला लेगा। कल कर लियो एडिट यार,
तो एडिट नहीं कर रहा हूँ मैं, तेरे को एक लैपटॉप चाहिए, अब तुझे लैपटॉप पे पड़ेगा है ना, मुझे फोन नहीं मिल रहा है साला, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बड़ा परेशान बेचारा, एक ये पबजी खेलता था उसी में, अब वो भी चला गया और खेल पढ़ी मत रहा, पढ़ी मत रहा है, पढ़ी मत रहा। कॉल करना मम्मी को, कॉल करना है, मैं पूछूं टिकट का क्या है, कब आ रही है। गाइस अब मेरा FIR आ चुका है यहाँ पे, मैंने पुलिस वालों को थोड़ा रिक्वेस्ट किया था, तब जाके उसने मेरे को अब दे दिया। तू क्या सला साले, तू क्या सला सला, तारीख की क्या सला, खैर मैं दिखा देता हूँ। अब ये मेरे को एक अनुज सर थे, अनुज सर ने दिया मेरे को, और यहाँ पे मैं अपना FIR की कॉपी दिखाता हूँ, ये सॉफ्ट कॉपी उन्होंने दी है। इतना लंबा छोड़ा FIR मेरे ऊपर कभी हुआ नहीं था, बट इतना लंबा होता मुझे पता नहीं था, खैर अब पता चल गया। बस यही रह गया यार, तो ब्लॉग यहीं पर मेरा खत्म होता है। होप्स हो कि इतने दिनों बाद मैंने कुछ इंटरेस्टिंग तो नहीं बनाया, बट प्लीज़ इन्जॉय करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और भाई ठंड तो नहीं है तब मैं बोलूँगा कि बच के रहना बस हर चीज़ों से, कि ये चोर चोरियाँ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कोई कुछ चुराता है, कोई कुछ चुराता है, कोई फ़ोन चुराता है, कोई गाड़ियाँ चुराता है। मैं भी एक तरह का चोर हूँ, मैं पब्लिक का दिल चुराता हूँ। स्माइल देखो इसके डायलॉग में हमारे डायलॉग स्माइल वाले ही होते हैं। तो गाइस चलो, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। अब एडिटिंग करनी है मेरे को, काम कर लेने दो।